जस्ट 9 ईयर्स की थी वो लड़की जिसकी मदर डॉक्टर्स के पास जा रही थी कि कोई प्रोटीन सप्लीमेंट दे दीजिए जिससे उसकी हाइट जो है वो अच्छी ग्रो कर सके। 11-12 ईयर्स की थी तब उसकी प्यूबर्टी स्टेज के में टाइमिंग पे उसके मेंसेस स्टार्ट हो गए, और मेंसेस के टाइमिंग पे भी उसको बहुत पेनफुल मेंसेस रहते थे। फिर से डॉक्टर्स के पास जा रहे थे कि प्रॉब्लम बहुत हो रही है, मेंसेस इरेगुलरिटी भी चल रही है, फिर से बहुत मेडिसिन ली जा रही थी उस टाइम पे। धीरे धीरे करके 14-15 ईयर्स तक इरेगुलरिटी जो है वो इंक्रीज हो रही थी। मेडिकेशंस की तरफ ध्यान जा रहा था, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा ध्यान देने वाली थी वो था उस लड़की का लाइफस्टाइल, पर वो नहीं देखा जा रहा था। क्या देखा जा रहा था कि इम्बैलेंस हो रहा है, तो दैट कुड बी बिकॉज वो मेडिकेशंस नहीं ले रही है ठीक तरीके से, या उसका स्ट्रेस लेवल जो है वो ओनली बहुत ज़्यादा है। बाय द टाइम व्हेन शी रीचेस टू 15, 16, 18 तक वो रीच किया, उसमें इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटी ऑफ मेंसेस हुआ कि डॉक्टर्स ने कंसिडर किया कि दैट इज़ PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। और उस टाइम पे उसका वेट गेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। 18 के ईयर्स में जब वेट गेन ज़्यादा हो गया, डाइटिशियंस के पास जाया जा रहा था कि वेट लॉस के लिए कोई डाइट दे दीजिए, एंड उस टाइम पे टीनेज होने की वजह से बहुत ऑब्सेस्ड अबाउट वेट, ऑब्सेशन की वजह से लो कैलोरी डाइट्स भी ली जा रही थी। एक्सरसाइज के ऊपर तभी ध्यान दिया जा रहा था जब टाइम मिलता था, थोड़ी देर के लिए वेट लॉस होता था फिर से वेट रीगेन हो जाता था। सो ये रीगेनिंग एंड गेनिंग का चक्कर जो है वो काफ़ी सालों तक चलता रहा, जिससे BMR रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो और स्लो हो गया। उसके बाद वो शादी का टाइम आया, शादी के टाइमिंग पे बाद जब फर्टिलिटी का इशू स्टार्ट हुआ तब इनफर्टिलिटी देखने को मिली। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ PCOD की वजह से, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से जो है एग्स का फॉर्मेशन ठीक नहीं हो रहा था। बर्थ कंट्रोल पिल्स बहुत ज़्यादा लिए गए थे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए थे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हॉर्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद, लाइक प्रॉपर ईटिंग पैटर्न या एक्सरसाइज रूटीन को एड ऑन करके फर्टिलिटी इम्प्रूव हुआ, एंड उस लड़की का बेबी भी हुआ। बेबी होने के बाद जो प्रॉब्लम आई वो था पोस्ट प्रेगनेंसी का वेट। प्रेगनेंसी में भी जो वेट गेन हो रहा था दैट वाज आल्सो हार्मोनल चेंजेस ही थे। पोस्ट प्रेगनेंसी पे भी जो वेट का इशू चल रहा था वो भी हमारा हार्मोनल चेंजेस ही हो रहे थे। उस टाइम पे भी उन्होंने फिर से वो वेट गेन एंड वेट लॉस वाले चक्कर में फिर से वो साइकिल रिपीट किया, अगेन वो गेनिंग एंड रीगेनिंग वाला स्टेटस चलता रहा। एंड बाय द टाइम व्हेन शी रीचेस टू मेनोपॉज, मेनोपॉज के टाइमिंग पे दैट वाज आल्सो हार्मोनल चेंजेस, मूड स्विंग्स होना, हॉट फ्लैशेस आने, उस टाइम पे भी जो प्रॉब्लम फेस की जा रही थी दैट वाज ऑल हार्मोनल इश्यूज। और वो इसलिए था क्योंकि द टाइम व्हेन शी वाज अ किड, उस टाइम पे जो फोकस करना था रेदर देन गोइंग फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट्स, वो हमें क्या फोकस करना था, उस बच्ची का लाइफस्टाइल की जो मेनोपॉज की स्टेज तक फिर उसने काफ़ी जो प्रॉब्लम फेस किए, इंक्लूडिंग थायराइड का भी हार्मोनल इश्यूज, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ PCOD, एंड कॉर्टिसोल हार्मोन डिस्टर्बेंस बिकॉज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन, और स्लीप भी प्रॉपर नहीं हो रही थी। दैट होल साइकिल वॉज ऑल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जो हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा था। तो अगर मेनोपॉज के टाइमिंग पे भी जो प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो वो आपकी प्यूबर्टी के टाइमिंग की स्टेज से आप स्टार्ट कर लेते हो, तो दैट मीन्स आपका फुल लाइफस्टाइल जो है वो हॉर्मोन्स के आसपास जो है वो चलता रहता है। चाहे आप वेट गेन कर नहीं कर पा रहे हो, या वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो चेंजेस आते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ PMS आपके जो मेंसेस के टाइमिंग पे चेंजेस आते हैं, मेनोपॉज के टाइमिंग पे जो चेंजेस आते हैं, बच्चे की ग्रोथ के टाइमिंग पे जो चेंजेस आते हैं, वो सब जो है वो हॉर्मोन्स के साथ रिलेटेड है, हॉर्मोन्स के बैलेंस के साथ रिलेटेड होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हॉर्मोन्स की जगह हम क्या देखना स्टार्ट कर देते हैं, हम ये देखना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें कोई प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत है, या कोई हम सप्लीमेंट या कोई मल्टीविटामिन ऐसे ऐड ऑन कर लें जिससे ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाए, या हॉर्मोन्स जो है वो बिल्कुल रेगुलर हो जाए। द मेन थिंग वी नीड टू फोकस इज अबाउट योर लाइफस्टाइल अगेन। सो PCOD के लिए जो मैं आज आपको टिप्स दे रही हूं वो मेन एक आई वुड लाइक टू गिव यू एन ओवरव्यू। मैं ज़्यादा डिटेल में इस टाइम पे नहीं जा रही हूँ। ऑलरेडी PCOD पे एक दो वीडियोज़ जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, तो मैं आपको एक ओवरव्यू इस पे दे रही हूँ। बहुत सारे फूड्स हैं जो PCOD के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, इंक्लूडिंग जैसे कि मेथरे, मेथरे का पानी इज़ वेरी हेल्पफुल इन द मॉर्निंग।
फ्लैक्स सीड्स को इंक्लूड करना, समर्स में उसको सोक करके अगर हम यूज करें दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर पीसीओडी। एंड आपका सिनेमन, अगर आप शुगर की जगह सिनेमन जो है उसका पानी रात को सोने से पहले या चाय में या कॉफी में अगर आप यूज करना चाहते हो तो दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन कैफीन का इंटेक ज्यादा नहीं होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट आप करेला आंवला का जूस आप यूज कर सकते हैं, जिससे इंसुलिन जो है वो मेंटेन रहने में हेल्पफुल होता है। एंड नॉट ओनली दिस, इसके अलावा आपको जो रॉ हनी मिलता है और होली बेसिल दैट इज तुलसी जो है दैट इज वेरी हेल्पफुल। लेकिन इसके साथ साथ जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक केयर करना है वो आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका एक्सरसाइज का रूटीन एंड अलॉन्ग विद दैट रिलेशनशिप विद द फूड, मतलब फियर ऑफ फूड डेवलप नहीं करना है हमने, हमने किसी भी टाइमिंग पे ओवर इंटेलिजेंस नहीं करनी है, हमने गिल्ट अबाउट फूड नहीं लेना है कि हमने कुछ खा लिया और गिल्ट के मारे यू आर फीलिंग लाइक यू आर फीलिंग डिप्रेस कि अब तो मेरा वेट गेन होगा ही होगा। तो जो सबसे पहला मैं पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ दैट इज अबाउट पीसीओडी में, वो है हॉर्मोन्स का बैलेंस होता है विद द हेल्प ऑफ ऑयल। जो मैंने थायराइड के वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि ऑयल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपके हॉर्मोन्स का कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आपके सेल्स का कम्युनिकेशन बिटवीन हॉर्मोन्स नहीं हो पाता बिकॉज जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं वो सेल्स को ब्लॉक कर देते हैं और जिसकी वजह से हॉर्मोन्स वर्क नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट हैपन, लोगों में बहुत फियर होता है कि लो फैट डाइट हमें लेना चाहिए क्योंकि फैट खा लेंगे तो इससे हमारा वेट गेन हो जाएगा, लेकिन फैट रिफाइंड फॉर्म में खाना इज बैड बट गुड फॉर्म ऑफ फैट, गुड क्वालिटी फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्म ऑफ लाइक सैचुरेटेड फैट जो होता है हमारा और पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो है दैट इज गुड फॉर अस। लेकिन जो ट्रांस फैट है और रिफाइंड फॉर्म में जो हमारे पास ऑयल्स आ रहे हैं दैट इज नॉट गुड फॉर अस, क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो इतनी फ्लडेड हुई हुई है विद लॉट ऑफ रिफाइंड ऑयल्स, और उसमें क्या हो रहा है आपके ओमेगा 6 जो है वो ज्यादा कंटेंट में आ रहा है, ओमेगा 3 का कंटेंट जो है वो बहुत लो है, और ये जो रेशियो बिटवीन ओमेगा 6 और ओमेगा 3 अगर बैलेंस नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आपको हार्मोनल प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज अगर हम अगर अपने ट्रेडिशनल ऑयल्स को यूज करें, इंक्लूडिंग देसी घी को यूज करना, इंक्लूडिंग कोकोनट ऑयल को यूज करना, कोई भी सीड ऑयल इंक्लूडिंग योर ग्राउंडनट ऑयल, पीनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जो सीड्स ऑयल होते हैं जो लोकली अवेलेबल आपके आसपास के एरिया में अवेलेबल होते हैं, जो रिफाइंड ज्यादा नहीं होते हैं, फिल्टर्ड होते हैं, अगर हम उनको कंटेंट ऑफ ऑयल को कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल की किसी बंदे को 2 से 3 चम्मच चाहिए या 4 से 5 चम्मच चाहिए, कितना लोड उसकी बॉडी पे पड़ रहा है उस अकॉर्डिंगली अगर हम ये ऑयल्स को यूज करें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलिव ऑयल की अगर हम बात करें तो ऑलिव ऑयल इज ओनली फॉर ड्रेसिंग्स, नॉट फॉर कुकिंग, इंडियन ट्रेडिशनल कुकिंग के लिए नहीं है बिकॉज दैट इज एन इटालियन ऑयल है, और वो इटालियन ऑयल जो है दैट इज ओनली फॉर इटालियंस या उस एरिया में जहां पे ये ग्रो कर रहा है, हमारे लिए वो एज अ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल फॉर सैलड्स ड्रेसिंग्स के लिए दैट इज अ गुड थिंग, बट नॉट फॉर ट्रेडिशनल इंडियन कुकिंग, तड़कास में वो यूज करने के लिए बेटर नहीं है। सो बेस्ट ऑयल जो हम यूज कर सकते हैं वो हम देसी घी को यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल को यूज कर सकते हैं और सीड ऑयल को यूज कर सकते हैं। पीसीओडी के केस में आपको रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है जिससे आपके जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो हॉर्मोन्स की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं वो प्रॉपर मेंटेन हो सके। अगर हॉर्मोन्स को आप प्रॉपर वर्क करवाना चाहते हैं तो आपको बाहर का खाना जो प्रोसेस्ड होता है, पैकेट होता है जिसमें सारा रिफाइनिंग वाली चीजें होती हैं, उसको अवॉइड करना है। मोस्टली देखा गया है जो गर्ल्स हॉस्टल्स में रहती हैं, मेस फूड खाती हैं, उनमें पीसीओडी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑन रिफाइंड ऑयल्स, उनको रिफाइंड खाना ही मिल रहा है, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड आटा, ये सब चीजें खाने को मिल रही हैं जिसकी वजह से उनको हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है। घर का बनाया हुआ खाना सैचुरेटेड फैटी एसिड में, सैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट में, दैट इज गुड टू मेंटेन योर हार्मोनल बैलेंस। एंड नॉट ओनली दिस, नट्स एंड सीड्स से भी आपको जो है वो अच्छा एसेंशियल फैट्स मिलते हैं, और नट्स एंड सीड्स का इंटेक इन फॉर्म लाइक आलमंड्स, वॉलनट्स, आपके जितने भी सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर, वाटरमेलन, पंपकिन, सेसमे, इन सब का इंटेक अगर आप प्रॉपर क्वांटिटी में लेते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अगर हम वो यूज करेंगे तो एसेंशियल फैटी एसिड जो है वो आपकी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करेगा। सेकंड प्रॉब्लम जो हार्मोन्स के रिलेटेड आती है वो प्रॉब्लम आती है फ्रॉम प्लास्टिक एंड फ्रॉम कॉस्मेटिक्स यू आर यूजिंग। तो जो गर्ल्स बहुत ज्यादा प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग प्लास्टिक का टिफिन लेके जाते हो, या प्लास्टिक में कुक प्लास्टिक कुकिंग हो रही है, माइक्रोवेव में जो आप यूटेंसिल्स यूज कर रहे हो वो प्लास्टिक के हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपको हार्मोनल इंबैलेंस के लिए, बिकॉज द कंटेंट जो वहां पे प्लास्टिक में पाया जाता है वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है। एंड कॉस्मेटिक, द हाई कंटेंट ऑफ कॉस्मेटिक्स यू आर यूजिंग, अगर आप परफ्यूम्स और एयर फ्रेशनर्स और बहुत ज्यादा सैनिटाइजर्स वगैरह अगर आप यूज कर रहे हैं,
एक्सेस में कोई भी चीज़ यूज़ करना इज बैड. तो अगर परफ्यूम में भी जो कंटेंट पाया जाता है परफ्यूम दैट इज अल्कोहलिक इन नेचर, और जितना ज़्यादा आप उनको यूज़ करते हैं उसकी वजह से आपके हॉर्मोन्स जो वो डिस्टर्ब होते हैं. आपने देखा होगा कि जो बच्चों में भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, जो न्यू बॉर्न होते हैं, न्यू बॉर्न बच्चे में भी आजकल थायराइड देखने को मिलता है, डायबिटीज़ देखने को मिलता है, न्यू बॉर्न बेबीज़ में एक्जीमा, स्किन एलर्जीज, वो छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिल रहा है. वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्टडीज इट हैज़ बीन सीन दैट जो प्रेगनेंट वुमेन है वो दे आर यूजिंग मोर ऑफ परफ्यूम्स, मोर ऑफ कॉस्मेटिक्स, और वो टच जो है बेबी के साथ ब्रेस्ट फीडिंग के टाइमिंग पे जो लग रहा है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो यूज दीज थिंग्स इन अ वेरी मॉडरेट अमाउंट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. डू नॉट मेक यूज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड एक्सेसिव यूज ऑफ परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, जो आपकी बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं. और इसके अलावा मैंने स्लीप के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो डिस्कस किया हुआ है कि हाउ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर हार्मोनल बैलेंस. अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, अगर आप रात को गैजेट्स यूज कर रहे हो, बहुत देर तक अगर आप गैजेट्स का यूज करते रहते हो, और जिसकी वजह से आपकी रात की नींद जो है कॉर्टिसोल हार्मोन मेंटेन नहीं हो पाता है, और वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस आपको क्रिएट करेगा. इसलिए आपके मेंसेस साइकिल जो है वो हर महीने डिस्टर्ब होते हैं अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती है, जो आपको स्लीप वाली वीडियो में ज्यादा डिटेल मिलेगा. मैंने कैफीन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कैफीन दैट मीन्स टी की जैसे आपका आयरन अब्सॉर्प्शन पावर जो है वो बहुत कम हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हार्मोन जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है मूवमेंट करने के लिए. अगर आप बहुत ज्यादा टी पी रहे हो, बहुत ज्यादा कॉफी का इंटेक कर रहे हो, दैट कैफीन इज इंटरफेयरिंग इन योर हार्मोनल बैलेंस, जिसकी वजह से आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहा है. हार्मोन्स में मैं आपको नॉट ओनली पीसीओडी के बारे में बता रही हूं, आपका थायराइड, आपका डायबिटीज, इन सब चीजों से भी रिलेटेड है, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन, पैनक्रियास की प्रॉपर फंक्शनिंग विद इंसुलिन जो है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हार्मोन्स. सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हार्मोन्स. इनफैक्ट आपका वेट लॉस नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम की हार्मोनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, कुड बी बिकॉज ऑफ योर स्लीप, कुड बी बिकॉज ऑफ योर कैफीन. एंड नॉट ओनली दिस, आपका लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज एक्सरसाइज रूटीन. अगर आपका एक्सरसाइज रूटीन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, आप बहुत सेडेंट्री हो, आप इतना सेडेंट्री हो कि यू आर सिटिंग फॉर 7 to 8 hours ऑन द लैपटॉप, आपका इस तरह का जॉब है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो वो ब्लू लाइट जा रही है वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रही है. इसलिए यू नीड एक्सरसाइज रूटीन, नॉट इन अ फॉर्म ऑफ लाइक सेडेंट्री एक्टिव, मतलब पूरा दिन आप बैठे और एक घंटा आप जिमिंग में करके आ रहे हो. वो एक घंटा अगर आप जिमिंग में कर रहे हो, साथ साथ में यू नीड टू बी वेरी फिजिकली एक्टिव फुल डे. यू कीप ऑन मूविंग रेदर देन टेलिंग आस्किंग समवन कि मेरे लिए पानी लेके आओ, या फिर बेल बज रही है तो आप खुद नहीं जा रहे हो, किसी और को कह रहे हो. तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो प्लीज आप खुद करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आप थोड़ा एक्टिव होना स्टार्ट हो. एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सरसाइज यू नीड अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, मसल ट्रेनिंग करने से आपके मसल टिश्यू बिल्टअप होते हैं, बोन डेंसिटी हैवी होने की वजह से आपका स्टबन फैट निकलता है, और आपकी बॉडी में हार्मोन्स का बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा होता है. एंड अलॉन्ग विद दैट यू नीड अ रेस्ट बेस्ड ट्रेनिंग. रेस्ट बेस्ड ट्रेनिंग क्या होता है, अगर आप उसमें हाई इंटेंसिटी कोई वर्कआउट कर रहे हो, अगर 45 seconds का आपने कोई पुशअप लगाया है या पुलअप्स लगाए है एक टाइमिंग पे, तो यू नीड अ ब्रेक, रेस्ट ऑफ 1 minute एट लीस्ट, सो दैट आपकी बॉडी में जो मसल टिश्यू है वो बिल्टअप हो जाए, वो वेयर एंड टेयरिंग उसकी ज्यादा ना हो. तो यू नीड अ रेस्ट बेस्ड ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हो, तो 45 seconds का एक वर्कआउट करने के बाद एक मिनट के लिए यू नीड दैट रेस्टिंग पीरियड, ताकि वो रिकवर हो सके. तो अगर आप पूरे दिन में कुछ और टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो 15 to 20 minutes एटलीस्ट निकालिए, ताकि उसमें कोई ऐसा वर्कआउट हो सके जिसमें यू आर गोइंग फॉर लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो हो सके. And along with that, इन सब चीजों के साथ साथ जो lifestyle में most important part role play करता है, वो आपका water का intake है. So कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टुगेदर, मेरे ख्याल से मैं हर वीडियो में सोचती भी हूँ कि मैंने वीडियो में क्या क्या बोलना है, तो मुझे घूम फिर के वही बातें आ जाती हैं. यू नीड टू फोकस ऑन योर डाइट, क्लीन ईटिंग, नॉट यू मेक यूज ऑफ एनी टाइम रिफाइंड फॉर्म, एक्सरसाइज के ऊपर फोकस रखना, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका स्ट्रेस लेवल, आपके वाटर का इनटेक, आपकी टॉक्सिसिटी इन द बॉडी, ताकि आपके हॉर्मोन्स जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर सकें. सो इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ गुड वर्कआउट, यू आर गोइंग फॉर अ गुड डाइट, क्लीन ईटिंग, लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा है, या फिर भी पीसीओडी का प्रॉब्लम चल रहा है, कुड बी बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, कि आपका प्लास्टिक का इंटेक है या परफ्यूम्स वगैरह आप यूज कर रहे हो, तो लेट्स सी कि कहां पर आप प्रॉब्लम आ रही है, एंड वी कैन वर्क ऑन दैट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कीप शेयरिंग. बाय बाय.